बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी स्थित दवा उद्योग में भीषण आगजनी की घटना पेश आई। इस घटना से उद्योग का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस आगजनी की घटना के दौरान उद्योग की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। उद्योग में जो फायर हाइड्रेंट थे उसकी एक भी पाइपलाइन काम नहीं कर पाई। औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी स्थित एक दवा उद्योग में अचानक भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 1:50 पर फायर स्टेशन बद्दी को सूचना दी गई कि झाड़माजरी स्थित कैपटैप बायोटेक पीवीटी लिमिटेड उद्योग में आई ड्रॉप सेक्शन में अचानक से आग लग गई और आग की सूचना पाते ही फायर स्टेशन बद्दी की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि फायर कर्मचारियों को उसे बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में अभी आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए बद्दी के फायर ऑफिसर देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें तकरीबन 1:50 पर सूचना मिली, उसके बाद वे तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि 2 वाटर ब्राउजर व 1 निजी उद्योग के फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जी दूरभाष पर जो है कंपनी से किसी भी अधिकारी ने जो है 1:50 पर सूचना दी है कि कैपटॉप कंपनी में जो है झाड़माजरी में आग लगी है। वैसे ही तुरंत हमने जो है टर्न आउट किया। जैसे ही हम घटनास्थल पर पहुंचे तो ऐसा पाया गया कि आग बहुत मेजर फायर केस था और तुरंत हमने जो है दूसरी गाड़ी को मंगवाया। लेकिन हम फिर भी ये सोच रहे थे कि शायद आग इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि हम कंट्रोल ना कर पाए, तो हमने साथ में जो है वर्धमान से जो है गाड़ी मंगाई, जिसमें मेरे साथ जो है तिवारी जी जो वहाँ के फायर ऑफिसर है, इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से जो है गाड़ी लाई है और मौके पर हमारे को पूरा सहयोग देते हुए जो है आग पर जो है हमने तुरंत जो है कंट्रोल कर दिया है। हाँ, उसका अभी हम जायजा लेंगे कि आग किस कारण से लगी है, कितना नुकसान हुआ है। जब पूर्णतया आग पर कंट्रोल पाया जाएगा उसके बाद हम जो है कंपनी के किसी भी अधिकारी और उससे जो है इसका मुआयना करवाएंगे। इसमें वर्धमान से जो है 3 फायरमैन और 1 फायर ऑफिसर और मेरे साथ जो है दोनों टर्न आउट में 6 फायरमैन, 2 ड्राइवर और 1 फायर ऑफिसर। यहाँ पर हमारे पास जो है पहले फायर स्टेशन से दोनों गाड़ी वाटर बोजर जिसमें जो है 9,000 लीटर कैपेसिटी के हैं और साथ में जो है वर्धमान की 4,500 लीटर का वाटर टेंडर जो है हमारे पास साथ है। साथ ही साथ वाली कंपनी से सहयोग लेते हुए पानी उनसे लिया गया और तत्काल जो है गाड़ी की जो है पूर्ति जो है वहीं पर की गई है। सर, यहाँ उद्योग में जो फायर का सिस्टम लगा हुआ है, सर वर्किंग नहीं कर रहा? हाँ, अभी फिलहाल जो है इसमें ऐसा पाया गया है कि इसमें पानी की वो सप्लाई नहीं मिली है। उसके बारे में हम पता करेंगे कि क्या कारण रहा कि क्यों नहीं पानी की सप्लाई मिली। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।